हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल में। आज हम देखते हैं मटर मशरूम की सब्ज़ी किस तरीके से बनती है, बहुत जल्दी और जो कि बहुत हेल्दी होती है, वो देखेंगे। चलो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो हम इसमें डालेंगे वो बता देती हूँ। आप मटर मशरूम 2 पैकेट और 1 कटोरी मटर, वो आप रेडी करके रखें, पील ऑफ करके, साफ़ करके अच्छे से। और देख लेते हैं क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होगी, वो आगे आने वाली वीडियो में देख लेंगे। और मशरूम को भी हम काट लेंगे, अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे। करते हैं मशरूम की कटिंग। इसको आप चाहे तो 4 पीस में डिवाइड कर सकते हैं या फिर जैसे मैं काटती हूँ वैसे आप देख लीजिए। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से काटा है। आप ऐसे भी इसके 4 पीस कर सकते हो या बीच में से भी इसको कट लगा कर रेडी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप इसको काट लें। और मशरूम भी काट कर रेडी। और अब हमने मटर को भी पील ऑफ कर लिया। ये हमने 1 कटोरी मटर के दाने लिए हैं और 2 पैकेट लिए मशरूम के। चलो अब इन दोनों को एक साथ बॉईल करेंगे थोड़ा सा नमक डाल के। और अब हम मटर मशरूम को बॉईल करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे और साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। और बस इसको ढक देते हैं और 1 विसल आने तक वेट करेंगे। और जब तक मशरूम बॉईल होते हैं हम मसाला तैयार करेंगे। हमने लिया 1 प्याज, इसको हम 1/2 इंच का टुकड़ा इसमें से यूज़ करेंगे। 8 से 10 लिए छोटी छोटी कलियाँ लहसुन की और 4 हरी मिर्च, 1 नींबू का टुकड़ा हमने लिया है, 1 चम्मच हमने लिया है सेसमे सीड्स, तिल और थोड़ा सा लिया हमने नारियल। ये जो नारियल और सेसमे सीड यूज़ करने का रीज़न है कि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है और जो कि बहुत रिच होती है, बहुत हेल्दी भी होती है। अब उसको पीस लेते हैं और साथ में हम डालेंगे 4 टमाटर। 4 टमाटर लिए हमने छोटे छोटे। और हमारा मसाला भी पीस कर तैयार। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, आप जो यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ऑयल भी गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल दें 1 चम्मच जीरा। और इसको क्रैक होने देंगे, साथ में डालेंगे 1 तेज़पत्ता और 1 कटी हरी मिर्च। और जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ था वो डाल देंगे। और अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है तो आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जो भी आपको ठीक लगे वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और मैं ये वाला मसाला यूज़ करती हूँ, इसकी सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त लगती है तो इसकी भी हम 1 स्पून यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे हम धनिया पाउडर और ऊपर से हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। याद रहे हमने थोड़ा सा बॉईल करते टाइम पे भी डाला था। और बस इन जितने भी मसाले हैं इसको हम मिक्स करेंगे 3-4 चम्मच पानी से। आप चाहे तो पानी की जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने टमाटर थोड़े से ज़्यादा यूज़ किए हैं तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर टमाटर कम हो तो आप दही भी इस टाइम पर डाल सकते हैं। और इसको अब हम डाल देते हैं मसाले में।
जो हमारी अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है उसके अंदर हमने इसको डाल दिया, एक चम्मच पानी और डालकर। जो मसाला साइड पर चिपका हुआ है बाउल के, वो भी इसमें डाल देंगे और बस इसको तब तक पकाएंगे जब तक जो मसाला है वो ऑयल ना छोड़ दे। और हमारे मटर मशरूम भी रेडी हैं बॉयल होकर, इसको फिल्टर करेंगे। और मटर मशरूम भी हमारे फिल्टर हो गए और अब हमारी ग्रेवी भी बनकर रेडी होने वाली है। इसने भी मसाले ने भी ऑयल छोड़ दिया है, एक मिनट और पकाते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस, जिससे इसका जो कलर है वो ऐसा का ऐसे ही बना रहे और थोड़ी सी खुशबू भी आ जाए। और हमारी ग्रेवी रेडी, इसको पकने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगे हैं। और इसमें डालेंगे हम बॉईल किए हुए मशरूम, मटर और इनको भी हम अच्छे से कोट कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा ग्लास पानी और बस 3 से 4 मिनट एक बार और पकाएंगे। तो थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहिए तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर लेती हूँ, अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकते हैं। करूंगी आधा कप और बस इसको पकने देंगे। ये देखिए सब्जी पर कितना बढ़िया कलर आया है। और बस ये 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। और हमारी सब्जी बनकर रेडी, मैंने कर दिया गैस ऑफ और ऊपर से गार्निश करेंगे हरे धनिए से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल में। आज हम देखते हैं मटर मशरूम की सब्जी किस तरीके से बनती है बहुत जल्दी और जो कि बहुत हेल्दी होती है, वो देखेंगे। चलो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो हम इसमें डालेंगे वो बता देती हूँ। आप मटर मशरूम 2 पैकेट और 1 कटोरी मटर, वो आप रेडी करके रखें, पील ऑफ करके साफ़ करके अच्छे से। और देख लेते हैं क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होगी, वो आगे आने वाली वीडियो में देख लेंगे।